हेलो दोस्त, नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी दोस्तों को। आज होली है तो आप होली के आप सभी दोस्तों को, फ्रेंड को बहुत बहुत ढेर सारा बधाई। तो आप लोग कैसे हैं? हो सके आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मस्ती का दिन है तो आप होली जरूर खेलिएगा। ये त्यौहार तो ये फेस्टिवल तो एक साल में एक ही दिन आता है, वो है आज। आप खुशियाँ मनाइए, होली मनाइए, इंजॉय कीजिए। तो हम देखिए, अभी सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ 5:30 बजे। तो हम देखिए हम ये मालपुआ जो होता है ना, मैं आपको नजदीक करके दिखा रही हूँ। देखिए इसमें मैदा है, थोड़ा चीनी डाली हूँ। एक मिनट थोड़ा गैस ऑन कर दो। इसमें मैदा है, चीनी है, ड्राई फ्रूट जितना होता है ना सारा, इसमें चीनी वगैरह, मैदा, सूजी सारे डाली हूँ। मैं मालपुआ बनाऊंगी, आप जरूर आप बने रहिएगा। ये दाल है तो दाल वाला मैंने पूरी बनानी है। देखिए दाल वाला पूरी बनाएंगे तो, और उसके बाद पूरी के बाद मैं पकौड़े बनाऊंगी, आलू प्याज टमाटर गोभी की जो होता है, और पकौड़े कचड़ियाँ बनाऊंगी। तो आप लोग जरूर हमारे लाइन में, सॉरी और गुलगुला भी बनाने जा रही हूँ। मेरी बेटी की फेवरेट गुलगुला है, मैं गुलगुलाना बनाने जा रही हूँ। तो आप लोग जरूर हमारे होली का समय फर्स्ट टाइम में ब्लॉग में बना रही हूँ, तो आप लोग जरूर हमारे ब्लॉग देखिएगा, ठीक है। और देखिए अभी तक आते हुए होली खेलने के लिए सुबह सुबह मेरे बाबू उठ गए हैं। मैं तो 5 बजे उठी हूँ, 5 बजे उठ के बर्तन तर साफ सुथ करके उसके बाद मालपुआ के तैयारी कर रहे। देखिए आप बने रहिएगा, हम देखिए कैसे हम वीडियो बच गया है ना। हाँ तो ये देखिए डेंजर शोभा आराम से बैठकर अपना काम कर रही है। एक काम के साथ डबल काम। पहला ये होली के लिए पकवान बना रही है, दूसरा ब्लॉग बना रही है, तीसरा होली मनाएंगे, चौथा होली वो क्या कहते हैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, और पांचवा भूत बन जाएंगे। पांचवा हम लोग भूत बन जाएंगे होली के बाद। और हाँ मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों का मेरे घर में खाना मालपुआ वगैरह बन रहा है, पूड़ियाँ, तो जरूर आप लोग निमंत्रण है, तो जरूर आप लोग हमारे घर पे आएंगे खाने के लिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, ये देखिए मैं बना रही हूँ, देखिए नजदीक करके दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए, ये देख। इसके लिए ये मैं तेल कढ़ाई के अंदर तेल तैयार है। इसके लिए मैं तेल गरम कर रही हूँ, तेल गरम हो जाएगा, देखिए हो रहा है, थोड़ा गुनगुना सा हो रहा है। उसके बाद हम ये डालेंगे, इसमें है ड्राई फ्रूट, देखिए सारे आपको दिख रहा होगा ड्राई फ्रूट है, ये आटे हैं, और ये क्या कहते हैं छोले का, मतलब आप कहते होंगे चने का दाल, लेकिन यहाँ तो छोले का दाल कहते हैं, चने का दाल है। तो आप लोग हमारे लिए जरूर बने रहिएगा आगे, और हम आपको दिखाएंगे वीडियो, ठीक है। दूर होके और दोस्तों हम ट्राई करते हैं कि कैसा बनता है हमारे मालपुआ, ठीक है। इसे देखो तो सो रहा है। जय हो भोला रमन बाबा। तो दोस्तों हम तैयार कर रहे हैं अब बनाने को, देखिए आप बने लीजिए, आप थोड़ा नजदीक आ जाए। ये बन रहा है, ये देखिए देखिए किस तरह से थोड़ा पास से दिखाती हूं। कढ़ाई में मोबाइल ना गिरा देना, जहाँ गिर गया ऐसे ना ऐसे रख, ऐसे नहीं तो ब्लॉक की तरह हो जाएगा। देखिए दोस्तों अटक एक मिनट, थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गया दोस्तों। देखिए हमारा कैसा किस तरह से बन गया है वो, देखिए कोई बात नहीं, थोड़ा देखना है तो खाना है बस। दोस्तों ये मेरा देखिए पहला
पुआ हमारा खराब हो गया, ये देखिए खराब हो गया ना, क्योंकि दोस्तों हमें ये जो पुआ बना रहे हैं एक साल पे एक ही बार बनाती हूँ, जब होली आता है तभी बनाती हूँ। देखिए कैसा बन गया, एकदम बेकार सा बन गया, आप देख सकते हैं ना। अभी खा ले। नहीं अभी तो खाना नहीं है, जब मठा टेकेंगे तभी खाना, अभी थोड़ा तो खाना है। अभी बहुत सारे बनाने हैं। देखिए एकदम बिगड़ गया है दोस्तों, देखिए पूरा तरीके से बिगड़ गया है। ये देखिए मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ, नज़दीक से थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, कम सा दिख रहा होगा। देखिए ये देखिए एकदम बिगड़ सी गया है, बेकार हो गया है, देख सकते हैं। अटा डा रहा देखिए एकदम बेकार सा गंदा सा बन गया है हमारा पहला मालपुआ। देख तो दोस्तों मेरा मालपुआ दूसरा मालपुआ देखिए बिगड़ गया है। ये मैं पहला पकौड़ा बनाया कैसा बना है, खराब सी हो गया है, बेकार से बन गया। फिर ट्राई कर रही हूँ, ऑन ऑफ करके नहीं आ रहा तेरे को, ऑन ऑफ करके बना ना, आता है रेड दम हाँ बता दो फिर। पता है ये जो 11 है ना उसे टच। ओ भगवान आज अभी भी बेकार बन रहा है। देखिए आज मेरा मुड्डे खराब हो गया है, कैसा बन गया बेकार सा। कौन दवाई जानती, ए वाला पता है थोड़ा, ए वाला ऐसे एक नंबर पता है, फिर ऐसे बन गया। तो दोस्तों देखिए अच्छे से बनाऊं क्या करूं, मैं तो अच्छे से बना ही रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया आज बन ही नहीं रहा है। मैं बताऊं क्यों, क्यों क्योंकि बहुत दिनों बाद बना रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। बेकार बन गया, मैं एक करती हूँ क्या, थोड़ा दूर दूर जो दूर कि हो सकता है ज्यादा मतलब तेल वजह से हो सकता है कि मतलब पूरी अच्छा ना बने, इस वजह से मैं थोड़ा सा पूरी तेल बना निकाल के उसके बाद फिर ट्राई करेंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे लाइन में बने रहिए। मम्मा जी ये पुआ तो बहुत अच्छा बना है, इससे भी अच्छा, ये बिल्कुल राउंड बना है। हाँ ये ले, इसका कलर भी बहुत अच्छा बना, अच्छा से ब्राउन मतलब हो रहा है, अच्छे से पक जाएंगे उसके बाद फिर निकालेंगे हम। दो दो मतलब कौन सा बन गया, ज्यादा तेल डालने से वजह से कम डालती तो इसी तरह अच्छा बनता, लेकिन फर्स्ट में मिस्टेक हो गया है। चलो कोई बात नहीं, एक साल के बाद हमने मलपुए बना रहे, मिस्टेक हो गया कोई बात नहीं। उसके मालपुआ के बाद हम ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दाल के भर के जो बनाते हैं ना, दाल में भर के वो बनाऊंगी पूरी। क्या क्या कर रहा है तू सुबह से उठ के, पहुंच कर बेटा पहुंच। ये देखिए ये बन गया हमारा चौथा पुआ, चौथा पुआ बहुत अच्छा बना, ये देखो बिल्कुल राउंड राउंड बना है रोटी की तरह, गोल गोल सा बना है, बहुत अच्छा बना है ना। मैं आपको थोड़ी अच्छे से दिखाती हूँ, देखिए अच्छा बना ये है? देखो ये देखिए सीझा भी अच्छे है, ये देखिए ठीक है। तब तक आप लोग बने रहिए, आप बने रहिए लास्ट शुरू से लास्ट तक जरूर हमारे वीडियो देखिएगा, ओके दीदी का आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में, पहुँच कर। मम्मा जी ये आप कौन सी पूड़ी बना रहे हो गोल गोल? ए बेटा ये पूड़ी है दाल की पूड़ी है, ये दाल वाला पूड़ी, इसमें दाल भरे हैं।
दाल भर के इसको मैं ऐसे से बंद कर रही हूँ। अब इसको मतलब ऐसे कर रहे हैं हाथ से, पतला हाथ से कर रहे हैं। उसके बाद इसे हम कढ़ाई में डालेंगे, ठीक है। फिर ये पक कर हो जाएगा इस टाइप का। यस यस, जब कढ़ाई से निकालेंगे तो बन जाएगा इस तरह। देखिए, ये आइए आप लोग खाइए कचौड़ी। आप सभी दोस्तों को हमारे घर निमंत्रण है, आप लोग जरूर आएंगे खाने, ठीक है, होली में और पार्टी होगी और आप लोग जल्दी आएंगे हमारे घर खाने को। और ये देखिए, इसे प्याज के अलग पकौड़ा बनाएंगे और मिर्च के अलग बनाएंगे, अदरक के अलग बनाएंगे। अगर आपने अदरक के पकौड़े खाए हैं तो कमेंट में जरूर बताना, नहीं खाए वो भी बताना, हम भेज देंगे वहाँ पे, डिलीवरी कर देंगे। यस, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, हम लोग मिलेंगे लाइव स्ट्रीम में नाइट में सडे 9 बजे, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है, हमारे लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, होली खेलते रहिए, ठीक है, बाय, हम लोग मिलेंगे। अब जब हम होली खेलेंगे तो तब हम मिलेंगे एक भूतिया वीडियो के साथ। देखना, मैं अपनी मम्मा को भूत बनाऊंगी और मैं कुछ कार्तिक दिखा दे, कार्तिक ये देखो तो होली। हाँ। ये भी रेडी है पूरा, ये भी अपना गर्लफ्रेंड कलर देगा तो किसको देगा? मैं मम्मी को नहीं किधर देते, अपना गर्लफ्रेंड को दे देना कलर, ठीक है, होली में तो गर्लफ्रेंड को देना चाहिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देना नहीं, मम्मी बेटा मैं खेलता है, गर्लफ्रेंड को होली जाके खेला लेना, ठीक है, चल। और मैं आपको बनाऊंगी भूत। हाँ। लाल भिल्ला। और सुनाइए, और सुना तो ये देखिए धूप निकल चुकी है, घर में आ गई है धूप। ला आप मेरे को पोंछ कर दो। तो दोस्तों देखिए हमारा पूरी बन रहा है, ये देखिए आपको नजदीक करके दिखा रही है, कितना कलर, कितना ब्राउन सा है, कितना अच्छा कलर है, मस्त कलर है। देखिए इसमें मैं आलू डाली हूँ, उसके बाद ऐसे मैं बना ली पूरी आलू, आलू के चोरी तो नहीं बनाई, बनाऊंगी वो भी आपको दिखाऊंगी। देखिए ये देखिए हमारा बन रहा है, ले आप एंड करेंगे, ले हैं एंड करेंगे, बना मेरे को आप बनाओ वहां से, क्या बोलूं तो खाली वन कर बन गया। तो दोस्तों तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए, हम लोग देखिए पूरी बना रहे हैं, हम जब होली खेलेंगे तो जरूर आपको मतलब बता देंगे और अब तक वीडियो पहुंचाऊंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।